दोस्तों कई सारे फिल्मों में कैदियों को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है। हम सबको कैदियों की जेल से भागने की स्ट्रेटजी और प्लानिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। अंत में तो हम सभी जानते हैं कि वो सब सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर दिखाई गई कहानी होती है, लेकिन अगर हमारी तरह आपको भी कैदियों के जेल से भागने की प्लानिंग और स्ट्रेटजीज अच्छी लगती है तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके लिए लेकर आया हूँ कैमरे में कैद हुई कैदियों की कुछ ऐसी चौंका देने वाली वीडियोस जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का पूरा मजा उठा लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि हम भविष्य में आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। नंबर एक, दोस्तों ईएल चापो को कौन नहीं जानता, इसके किस्से दुनिया भर में फेमस है। मैक्सिको के साथ साथ ईएल चापो ने दुनिया भर को अपने कामों से परेशान करके रखा है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है और एक ऐसा मुजरिम जिसे पकड़ पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि बहुत बार जेल से फरार हो चुका है। और ये इतना बड़ा ड्रग माफिया था कि इसकी ज़िंदगी पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, और इन डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया कि ये जेल से निकलने के लिए किसी तरह के हथकंडे अपनाता है। लेकिन दोस्तों एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप इस शख्स के शातिर दिमाग को देखकर चौंक जाओगे। ये वीडियो 2015 में ली गई जेल के CCTV कैमरा की है, जिसमें ईएल चापो ने लगभग 10 मिनट में जेल के टॉयलेट में सुरंग बना दी। दोस्तों हमें पता है आपको 10 मिनट बहुत कम लग रहे हैं ना, लेकिन ईएल चापो के लिए जेल से भागना सिर्फ 10 मिनट का ही काम है। और जब इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पाया गया कि उसके टॉयलेट की सुरंग के नीचे पहले से ही एक बाइक रखी हुई थी जिस पर बैठ कर वो फरार हो गया। वाह भाई, कमाल कर दिया इसने तो। नंबर दो, दोस्तों कैदियों का जेल से बाहर निकलना हमेशा रोमांचक होता है, इसी वजह से कई सारी फिल्में भी इन चीज़ों को दिखाना पसंद करती है। लेकिन दोस्तों इन कैदियों का तरीका भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। दोस्तों रिचर्ड और डेविड नाम के इन दोनों कैदियों ने अपने सेल से सुरंग बनानी शुरू कर दी, और फिर हफ्ते भर की मेहनत के बाद इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया। उसके बाद किसी तरह दोनों ने रास्ता निकाल कर एक छोटी सी खिड़की के लिए टनल सिस्टम में एंटर किया। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा ना कि सब कुछ आसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टनल सिस्टम में इतनी तेज गर्मी थी कि कोई भी इंसान उस गर्मी में पागल हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इन दोनों को टनल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन काफी देर तक इस टनल में रास्ता ढूंढने के बाद इन दोनों को जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। दोस्तों वाकई इन कैदियों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी, तभी तो इतनी बड़ी निगरानी के बाद भी इन दोनों ने वहां से निकलने का रास्ता बना लिया। नंबर तीन, वैसे दोस्तों ज्यादातर क्रिमिनल जो भागने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा हिंसा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इन्हें बखूबी पता होता है कि वो अकेले पुलिस से नहीं भिड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस शख्स की इस हिमाकत को देखकर आप हैरान हो जाओगे। इसके इस तरीकों को देखकर ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारी क्राइम से रिलेटेड फिल्में देखी होंगी जिसमें क्रिमिनल पुलिस को चकमा देकर भागते हैं। तभी तो उसने जैसे ही वैन से बाहर कदम रखा वैसे ही खड़े ऑफिसर से अचानक से गाड़ी की चाबी छीन ली और तुरंत उसमें बैठ गया। जैसे दूसरा ऑफिसर उसे रोकने लगा तब उसने हाथापाई शुरू कर दी। अंत में वो क्रिमिनल वहां से भाग गया। आगे जाकर उसने पुलिस वैन को छोड़कर रास्ते में कार हाईजैक कर ली और उस कार में भागने लगा। लेकिन शायद उस क्रिमिनल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर में पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसे डायरेक्ट कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक इसकी सजा पूरी नहीं होती इसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दृश्य हुआ है जिसमें क्रिमिनल पुलिस वैन से भागने की कोशिश करते हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। नंबर चार, दोस्तों अक्सर कैदी जेल से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें जेल की जिंदगी पसंद नहीं आती और वो खुले माहौल में जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये सच भी है। भला कौन जेल जैसी जगह में रहना चाहेगा जहां पर आपको कैद करके रखा जाए। लेकिन जिस कैदी की हम बात कर रहे हैं उसने जेल तोड़कर इसलिए भागने की कोशिश की क्योंकि उसे बियर भी नहीं थी और देखना था कि वो इतनी मजबूत निगरानी वाली जेल से बाहर निकल पाता है या नहीं। इसलिए उसने सबसे पहले फ्लोर पर लगी मेटल प्लेट्स तक अपनी पहुंच बनाई और वहां से हटा दिया उसे। फिर इस छोटी सी जगह से निकलकर बाहर का रास्ता ढूंढा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। दोस्तों आपको ऐसे सनकी कैदियों के बारे में क्या कमेंट करना है जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि कोई कैदी इतना पागल होगा कि वो जेल तोड़कर सिर्फ इसलिए बाहर निकले क्योंकि उसे देखना है कि वो जेल से भागने में कामयाब होता है या नहीं। नंबर पांच, दोस्तों अब इस वीडियो में कैदियों के भागने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। ये बात तो हम सभी को पता है कि जब कैदी जेल में बंद होते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली से बात करने का मौका मिलता है,
लेकिन कुछ कैदी इस मौके का इस तरह फायदा उठाते हैं, सभी चौंक जाते हैं। अब आप इन्हीं दोनों कैदियों को देख लीजिए, दोनों ही फोन पर बात करते हुए अपने सेल से निकलकर कॉल रूम तक आ गए हैं। लेकिन कॉल रूम में आने का इनका मकसद अपने परिवार वालों से बात करने का नहीं, बल्कि जेल से बाहर निकलने का है। तो चलिए देखते हैं कैसे इन दोनों शातिर कैदियों ने जेल से बाहर निकलने की तरकीब बनाई। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में खड़ा व्यक्ति फोन पर बातें कर रहा है, जबकि लेफ्ट साइड में खड़ा कैदी केवल ये दिखा रहा है कि वो बातें कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑफिसर ऑफिस खोलकर इन्हें इनके सेल तक पहुंचाने के लिए आएगा, और ये दोनों भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऑफिसर ने गेट खोला, इन दोनों ने हमला बोल दिया। हालांकि इन दोनों की मंशा लड़ाई करने की नहीं थी, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ चाबी लेकर भागना चाहते थे। उनमें से एक कैदी तो वहां से भाग निकलने में सफल भी हो गया, लेकिन दूसरा वाला पकड़ा गया, और जैसे ही वो जेल से निकला, वहां पर उसके लिए गाड़ी खड़ी थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसे फरार कराने में उसकी माँ और बहन का हाथ था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना।